देश भर में नए कृषि कानून बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसी क्रम में सहारनपुर पहुंचे सांसद अरुण सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्षी पार्टियां किसान विरोधी हैं और संसद की मर्यादा को ध्वस्त किया है। मोदी सरकार में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए ही इस विधेयक को लाया गया। केंद्र सरकार आत्मनिर्भर किसान के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। कृषि कानून पर विपक्षी दल भ्रम फैला रहे हैं, जबकि कानून किसानों के हित में है। यह जो संसद में पारित हुआ और जो कानून बना है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, किसानों की आमदनी दोगुना करने के दिशा में बहुत बड़ा कदम है। किसान को एक स्थान पे केवल जो अपना उत्पाद बेचता था उससे मुक्ति मिलेगी, किसान को वैकल्पिक बाजार मिलेगा, किसान को जो विपक्ष की पार्टियां भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी नहीं रहेगी, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, अगर किसानों की जो उत्पाद है डेढ़ गुना एमएसपी करने का कोई काम किया, स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन को मानने का कोई काम किया, तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। दूसरा, विपक्ष की पार्टियां भ्रम है जो फैला रही है कि करार के माध्यम से उनको जमीन ले लिया जाएगा। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि करार के माध्यम से किसानों की कोई जमीन, एक इंच भी जमीन न गिरवी रखी जा सकती है, न किराए पे ले जा सकती है, न लीज रेंट उस न लीज ली जा सकती है। वह करार टूटने पे भी जमीन कोई छू नहीं सकता, यह अधिनियम में है।